फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वदर किचन में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बनाएंगे इंस्टेंट ब्रेड पिज्जा। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ब्रेड के ब्राउन पार्ट्स निकाल लिए, इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब हम इसे तवे पर जमा लेंगे। हमने ब्रेड स्लाइसेस को जमा लिया है। अब हम इस पर पिज्जा सॉस लगा देंगे। अब हम इसे पिज्जा सॉस लगा लेंगे। और सारे स्लाइस पे अप्लाई कर देंगे। हमें अच्छे से इसे अप्लाई करना है। सारे स्लाइसेस पर पिज्जा सॉस अप्लाई कर लिया है। अब हम इस पर मेयोनीज डाल लेंगे। और इसे भी अच्छी तरह से अप्लाई कर लेंगे। हमने यहाँ पर मेयोनीज लगा लिया है। इस पर हम थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे। नमक ऐड कर लिया है। अब हम इस पर मोज़रेला चीज ऐड कर लेंगे। चलिए अब हम इस पर चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो डाल देंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पर चिली फ्लेक्स डाल लिया है। अब हम इस पर ऑर्गेनो ऐड कर लेंगे। और हम अब सेकेंड लेयर ब्रेड के स्लाइसेस की रख लेंगे। अब इस पर हम पिज्जा सॉस डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से स्लाइसेस पे अप्लाई कर लेंगे। चलिए अब हम इस पर मेयोनीज ऐड कर लेंगे। अब हम इसे अप्लाई कर देंगे सारे स्लाइसेस पर। चलिए अब हम इस पर थोड़ा सा साल्ट ऐड कर लेंगे और इस पर मोज़रेला चीज डाल लेंगे। मोज़रेला चीज ऐड कर लिया है। अब हम इस पर हमने यहाँ पर येलो, रेड और ग्रीन कैप्सिकम ली है। अब हम इस पर वो भी ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने अनियन भी ली है, वो भी हम इस पर ऐड कर लेंगे। ब्रेड पिज्जा बहुत यम्मी बनता है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और अपने बच्चों को बनाकर जरूर खिलाइए।
अब इस पर हम अनियन डाल देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस पर और थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे। नमक ऐड कर लिया है, अब हम इस पर चीज डाल देंगे। हमने सारा चीज ऐड कर लिया है, अब हम इस पर चिली फ्लेक्स और ऑरिगैनो ऐड करेंगे। लीजिए, अब हम इस पर ऑरिगैनो ऐड कर ले रहे हैं। अब हम इसे चूल्हे पर रख देंगे। हमने यहाँ पर गैस की फ्लेम ऑन कर ली है, अब हम इस पर बटर ऐड कर लेंगे। बटर डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसे लिड लगाकर देखिए फ्रेंड्स, बटर हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब हम इस स्टेज पर लिड लगाकर 10 मिनट के लिए फ्रेंड्स, ब्रेड पिज्जा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, बिल्कुल डोमिनोज पिज्जा की तरह हमारा पिज्जा बनकर रेडी हो चुका है। बहुत यम्मी और डिलीशियस बना है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए, एकदम लग रहा है ना परफेक्ट पिज्जा। ये देखिए फ्रेंड्स, आप इसका लुक देख सकते हैं, कितना यम्मी लग रहा है। चीज भी सारा अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट्स दीजिए। बाय बाय।